अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे बात करेंगे, और इससे पहले के लेक्चर में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे बात की थी, और आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जब हम डिफाइन करते हैं, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन भी बात करें, तो ये क्या है एक्चुअली, कि ये आपके पास दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज़ के दरमियान इक्वालिटी या डिफरेंस को देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को आप कंपेयर करते हैं, दो वैल्यूज़ को, कि वो आया कंपेयर, कि वो आया सेम है या डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें, तो दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स को ये आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और इसकी जो आउटपुट होगी वो होगी आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये आउटपुट देता है दो किस्म की, एक ट्रू देता है या फॉल्स देता है। ठीक है, तो सिंपली इक्वालिटी को ये देखने के लिए यूज होता है। अब आपके सामने सिंपल मैंने एक वेरिएबल्स ली हैं दो, ठीक है, और उनके मैंने वैल्यू असाइन की है। एक को मैंने 5 कर दिया, और ये मैंने स्ट्रिंग के अंदर इसको मैंने रखा है। ठीक है, और सिंपली इसको मैंने दूसरे को भी मैंने 5 लिया है, और बी वेरिएबल इसको मैंने दे दिया है। ठीक है, बी एक दूसरा वेरिएबल मैंने इसको असाइन कर दिया है, और अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, और देखें, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं कौन कौन से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, आपने जब सिर्फ इक्वालिटी को चेक करना है कि दो वैल्यूज इक्वल है, तो आप सिर्फ डबल इक्वल यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो जब आप 3 दफ़ा इक्वल यूज करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उसकी टाइप भी चेक कर रहे हैं, कि आया वो स्ट्रिंग है, आया उनकी टाइप। ठीक है, क्या अगर वो दोनों स्ट्रिंग है, दोनों नंबर हैं, ठीक है, तो उनकी जो टाइप है वो आप भी साथ चेक कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिपल अगर आप इसके दरमियान 3 दफ़ा इक्वल लगा देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा ऑपरेटर आपके पास ये है। अब यहाँ पे आ जाइए, नॉट इक्वल है। ठीक है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ, ये इसकी जस्ट वैल्यू चेक कर रहा है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो नॉट इक्वल के लिए आप नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, और जब आपके पास ये डबल आप इक्वल का साइन यूज़ करेंगे नॉट के साथ, तो इसका ये मतलब है कि दोनों वैल्यू भी इक्वल नहीं है और उनकी टाइप भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ये मैं आपके सामने लिख चुका हूं यहां पे। ठीक है, ये बात है यहां पे। फिर आपके पास यहां पे हो रहा है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन, और ये आपके पास लेस देन। ठीक है, लेस देन के लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये देखें, आप साथ इक्वल का साइन लगा देंगी। ठीक है, या तो वो इक्वल होगा तो ठीक है, ये सब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ अभी कोडिंग में। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू के लिए क्या करेंगे आप, लेस देन का साइन साथ इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो ये इस तरह के सब ऑपरेटर्स हैं, और इन सब को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं, और ये दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। अब आप आ जाए यहाँ पे कोडिंग पे। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे मैंने 3 दफ़ा इक्वल यूज़ किया है, 3 दफ़ा इक्वल का साइन यूज़ किया है। इसका ये मतलब है कि मैं इनकी वैल्यू भी देखना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इनकी टाइप सेम है या नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जो मुझे आउटपुट मिल रही है, जब मैंने इसको प्रिंट करवाया है, ठीक है, तो मुझे इसकी आउटपुट मिल रही है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये एज अ स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है, और ये एज अ नंबर यूज़ हो रहा है। जब आप इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको जब आप क्लोज कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास ये यूज होता है, ये कंसिडर होता है एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर मैं, अब ये देखें, अभी इसको फॉल्स कह रहा है, अभी ये फॉल्स है। ठीक है, अब अगर मैं इन्वर्टेड कामास को हटा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे यू करूंगा, तो ये ट्रू आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे अब इसने ट्रू शो कर दिया है। इसका ये मतलब है कि इसकी वैल्यूज तो दोनों सेम है ही, और इसकी टाइप भी सेम है। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 6 कर देता हूँ, तो ये फॉल्स कर देगा। फिर फॉल्स इसने कर दिया है। ठीक है, फॉल्स इसने क्यों किया, कि आपके पास ठीक है, अब इसकी टाइप ही सेम, ये तो मतलब डिफरेंट हो गया। अब ये देखें, ये फिर भी फॉल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जी आपके पास जो है डबल इक्वल, आपके पास वैल्यूज को, अगर मैं इसको 5 कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब ये ट्रू कर देगा। ठीक है, अब इसने ट्रू कर दिया है यहाँ पे, ये देखें, क्योंकि अब इसके पास क्या हो गई, वैल्यूज सेम हो गई हैं। ठीक है, अब ये दोनों, और अब क्या हुआ है, अब इनकी टाइप भी सेम हो गई है, ये दोनों नंबर आ गए हैं।
ठीक है, ऊपर फाइव भी नंबर है और नीचे जो दोनों फाइव हैं वो एज ए नंबर कंसिडर हो रहे हैं क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कामास हटा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे अगर दोबारा इक्वल का साइन लगा दूंगा, ठीक है, तो इसको ये ट्रू करेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा था स्टार्ट में, ठीक है। तो होपफुली जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जो तीन इक्वल का साइन है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आप टाइप कैसे जो है चेक करते हैं, तो आप जो तीन इक्वल का, तीन दफा आप इक्वल का साइन लगाएंगे तो उसमें आपके पास टाइप भी चेक होगी, ठीक है। तो ये आ गई बात यहाँ पे। अब अगर हम नॉट पे जाते हैं, ठीक है, अब अगर नॉट पे ये टू है, अब अगर इसको मैं कह दूं, ठीक है, ये फॉल्स कर देगा। अब इसका क्या आंसर आ रहा है? फॉल्स, ठीक है। अब क्योंकि मैंने नॉट का यूज किया है, ठीक है, तो ये साथ वैल्यू भी चेक कर रहा है, टाइप भी चेक कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक हटा देता हूँ, यूं कर देता हूँ, फिर भी ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिएगा ये, अब इसका आंसर क्या है आपके सामने? अभी फॉल्स है। और फॉल्स क्यों है? कि ये अब मैं पूछ रहा हूँ, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कि आया ए इज नॉट इक्वल टू बी, मैं ये पूछ रहा हूँ, लेकिन जब एक्चुअल वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वल हैं। होपफुल ये सिंपल सी बात है इसमें, क्योंकि मैं नॉट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फोर लिख देता हूँ, कुछ चेंज कर देता हूँ वैल्यू, तो वो आपके पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, अब आपके पास क्या आ गया? ट्रू आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब ये ए और बी इक्वल नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये कह रहा है ट्रू, यस, क्योंकि ए बी की इक्वल नहीं है, ठीक है। आप इधर अगर मैं दोबारा इसको मैं फाइव करूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली जो बात आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब आप अगर मैं इनकी देख रहा हूँ, अब यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि इनकी दोनों की, अब ये देखें ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब इसमें देखें, अब दोनों नंबर भी सेम है, ठीक है, दोनों नंबर भी सेम है और दोनों की टाइप भी सेम है, इस वजह से ये फॉल्स है, ठीक है। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे फोर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रू, ठीक है। तो जब नॉट का लिखेंगे तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो नॉट वाला फिर आपके पास तब ट्रू होगा, ठीक है। तो अब चलें, अब मैं कहता हूँ कि ए इज लेस देन बी, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ए इज लेस देन बी है, यहाँ पे ये देखें ए लेस देन बी है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देता हूँ या इक्वल कर देता हूँ फाइव, ठीक है, तो ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि आपके पास ए इज लेस देन बी नहीं है। सिक्स करूंगा तो भी फॉल्स आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर कह देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ग्रेटर कह दिया है, ठीक है, तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी है और एक्चुअल में ये भी है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, ग्रेटर भी, अब अगर अगर इसके साथ में इक्वल का साइन लगा देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया है तो अब क्या हो रहा है? ये भी ट्रू है क्योंकि अब अगर मैं देखें, ये तो अब ग्रेटर, यानी दोनों ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। अब अगर मैं फाइव कर देता हूँ यहाँ पे तो भी ये ट्रू होगा, ठीक है, ये देखें यहाँ पे ट्रू है क्योंकि इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं एक ऊपर फोर कर देता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि फोर आपके पास लेस देन है फाइव। अगर मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे यू मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास ट्रू है क्योंकि इक्वल तो है, लेस देन है, अब मैं लेस देन का सिंबल यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। और ये था, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिएगा जरा, ये बात तो यहाँ पे नल इज इक्वल टू, अब इसकी टाइप भी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नल अनडिफाइंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? फॉल्स, ठीक है, तो ये क्योंकि इसकी टाइप, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अब ये देखें इसकी जो ये टाइप कह रहा है नल इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये इसको ट्रू कह रहा है, ठीक है। तो जब आप इसकी टाइप नहीं चेक करेंगे, जब डबल इक्वल में क्योंगे, तो
तो ये आपके पास दोनों चीज़ें, एक नल भी है और उधर अनडिफाइंड है, तो ये दोनों आपके पास इसको ट्रू कह रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इक्वल का साइन दोबारा लगा दूंगा तब ये टाइप चेक कर रहा है। तो अनडिफाइंड और नल आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह अब आपके पास कर सकते हैं हम स्ट्रिंग को, तो ये यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये मिस्टेक, यहाँ पे ये एरर देगा, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे ये नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इस तरह आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, नल और उसका, ठीक है। तो ये बात आपको बतानी थी, ठीक है, ट्रू हो गया, ठीक है, यहाँ पे इक्वल किया तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अच्छा, एक बात जो मुझसे रह गई थी यहाँ पे, ठीक है, आप अगर यहाँ पे, अब अगर मैं स्ट्रिंग यूज करता हूँ, सपोज मैं कह देता हूँ इसको कैट, ठीक है, ये तो फॉल्स है, और इसको भी मैं कह देता हूँ कैट, ठीक है, तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है, इक्वल है, ठीक है, और इसमें, ठीक है, तो ट्रू। अब ये देखिए, दोनों ऊपर भी कैट है नीचे भी कैट है, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग आपके पास दोनों सेम है, तो ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब अगर मैं सपोज ये देखें यहाँ पे एक और भी लगा देता हूँ, तो भी इसने ट्रू किया है अभी, ठीक है, इसने यहाँ पे ट्रू किया है। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक टी को हटा देता हूँ, अब इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स कर रहा है यहाँ पे, ये फॉल्स कर रहा है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब इक्वल वाला जो सीन है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, सेम स्ट्रिंग्स होंगी, सेम वर्ड्स होंगे, तो वो इक्वल होंगे, तो उनको वो ट्रू कर देगा, और उनके टाइप अगर होगा तो वो, अगर आप ये देखें सिंपली यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, ठीक है, 5, तो ये आपके पास क्या, फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ खुद भी खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और होपफुली मैंने आपको अच्छी तरह डिफरेंट एग्जाम्पल्स करके बताया है। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इस प्लेलिस्ट को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।